फ्रेंड्स, दोस्तों कई बार हमारे चेहरे पर ऑयली स्किन होने की वजह से काफी ज्यादा पिंपल्स निकल आते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तभी हमारे चेहरे पर मुहासे या फिर पिंपल्स निकलते हैं। अगर हमारा इंटरनल सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है और हम बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे चेहरे पर मुहासे निकल आते हैं। इसीलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप अपने चेहरे पर पड़ने वाले मुहासों को थोड़ा सा इग्नोर करें ताकि उन मुहासों से आपके चेहरे पर बिल्कुल भी निशान ना पड़े। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा जिन लोगों के चेहरे पर मुहासे या फिर पिंपल्स हो जाते हैं तो उनके खत्म होने के बाद उनके निशान चेहरे पर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरा काफी भद्दा दिखाई देता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ हो तो सबसे पहले आपको पिंपल्स को फोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों पिंपल्स हम जब भी फोड़ते हैं तो उसके अंदर से निकलने वाली मवाद हमारे चेहरे के आसपास फैल जाती है, जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ता है और पिंपल्स निकलते हैं और जिस पिंपल को हमने फोड़ा था उसका निशान चेहरे पर ही रह जाता है दाग बनकर। इसीलिए पिंपल्स को फोड़ने की गलती कभी ना करें। अपने चेहरे को हर एक घंटे के अंदर अच्छे तरीके से धोएं। कोशिश करें कि आप अपने चेहरे को दिन में 2 बार फेस वॉश दें और 3 से 4 बार रेगुलर पानी से धोएं। हर बार अपने चेहरे को फेस वॉश से धोने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से आपके चेहरे की नमी खो सकती है। अपने चेहरे को धूप से बचाएं और अपने चेहरे पर नीम से बने हुए फेस पैक का भी प्रयोग करें ताकि आपके चेहरे पर पिंपल्स की रोकथाम हो सके। सो दोस्तों यह है आसान से तरीके चेहरे पर पड़ने वाले पिंपल्स के निशानों को रोकने के लिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।